अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे खुश होंगे अपनी मस्तियाँ मस्त होंगे दोस्तों खुश रहें और मस्तियाँ करें मज़े में रहें हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब वीडियो, वीडियो को लाइक करें शेयर और अपने खूबसूरत कमेंट कर दें तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारी वीडियो देखने के लिए अगर इतना कीमती वक्त निकाल ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें दोस्तों आज जैसा कि मैंने आपको दिखाया है शुरू में गांव में ट्रैकिंग एरिया बनाया है जहाँ फ़सल लगानी थी और उसके बाद हल वगैरह चलाया तो आपको दिखाते हैं दोस्तों ये देखें ये मैंने ट्रैकिंग एरिया बना दिया सारा और इस जगह पे हल चला दिया और चीरों की बड़ी लड़ाई हो रही है आसमान में उड़ते उड़ते ला रही हैं तो ये जगह इस तरह से यहाँ ट्रैकिंग एरिया में चलूँगा यहाँ पर और ये ट्रैकिंग एरिया और नेचुरल खाद भी आ गई है वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों ये देख सकते हैं ये नेचुरल खाद है और अभी इसे उठा के अंदर डालना है तो ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन कोई नहीं करेंगे इन तो दोस्तों मैंने आपको नेचुरल खाद दिखाई ये गाय भैंसों की गोबर होती है जिसे नेचुरल खाद के तौर पर इसे मिट्टी में डालते हैं ना बिल्कुल मिट्टी में मिल के ना मिट्टी बन जाती है और ना बहुत ज़रखेज़ी आ जाती है तो बहुत अच्छी होती है ये और दोस्तों एक दो दिन में एक एक कल परसों इंशाल्लाह मुर्गी के चूज़े निकल आएंगे तो उनका भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अगर लाना चाह तो और अभी इधर वो डालनी भी है वो भी कल डालेंगे यार अभी तो टाइम ही नहीं है टाइम की वजह से यार ये होता है फिर यही मसला बना रहता है और आपको मैं और भी दिखाता हूँ दोस्तों ये इधर मुर्गियाँ फिर रही हैं ना आराम से देखिए उन्होंने वजह अंडे रखे थे ना उनको क्या शिर कर दिए पता नहीं कुड़क होती हैं नहीं होती और बाकी सारी रहा से गुड़ गुड़ कर रही हैं बैठ के तो इन्हें भी बाद में खोलेंगे लेंगे ये दोस्तों फौरन बाहर निकलने की करती हैं कबूतर बैठे होते हैं ना फिर उन्हें नहीं सजीने देती कबूतर इस दाना पानी खा रहे हैं और तोते यहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों यार काम तो काफ़ी सारा हो गया है ये जो यहाँ फसल लगानी है ट्रैक भी बन गया है जहाँ मैं चल के जाया करूँगा और देखा करूँगा मेरी फसल शसल ठीक है या नहीं है तो ये भी देखेंगे और हल भी चला दिए अच्छे से ऑक्सीजन जा रही है मिट्टी में इसके बाद इसमें नेचुरल खाद डाल के इसे मिक्स करेंगे अच्छे से फिर उसमें ताकि जरखेज़ी भी बढ़े फिर इसे प्लेन कर देंगे फिर ऊपर छिड़काव छुड़काव मारेंगे ताकि अच्छे तरीके से ना वो अंदर मिल जाए यानी कि जो नेचुरल खाद है ना वो अंदर मिल जाए उसके बाद दोबारा एक दफ़ा हल चलाने के बाद फिर कोई थोड़ी देर उसे ऐसे ही रखने देंगे फिर उस पर उसे प्लान करके ऊपर पानी शानी फेंक के बिजाई कर देंगे इतनी अच्छी ये हो जाएगी कि क्या ही बताऊँ आपको मैं और कोल्स का पता नहीं इंतज़ार कर रहा हूँ वो वाला मैं बाजार इन्हें दे रहा हूँ जो ताकत वाला है शायद ने उसका मसला ना न्यूट्रिशन वगैरह का लेकिन अब वो पूरा हो रहा है ठीक है ना अब फिर उसके बावजूद भी ना की तो बस फिर कोई ना कोई तो कर कुछ ना कुछ तो इनको करना पड़ेगा ना हमें उसके अलावा मस्कवी का भी इंतजार है चूज़े निकलने हैं निकलने वाले हैं इन श्ला बहुत जल्द मस्कवी वगैरह इधर रहे हैं कर रही हैं बड़ी प्यारी लगती है जब मस्कवी करें क्रैक करती हैं इनशाला मुझक भी बहुत जल्द अंडे देगी इनशाला दोस्तों अब मैंने जो आपको बताना है ना बड़े मजे की बात है अभी मैंने आपको कहा था थोड़ी देर बाद बताऊंगा तो अब आपको ना वो बात बताते हैं माशाल्लाह से अब आपको समझ तो आ ही गई होगी का बिजन की तरफ आ गए हैं तो अभी दिखाते हैं आपको तो दोस्तों मैंने कहा कि ना पहले ना आपको ना ये फीमेल दिखाते हैं ठीक है ये एग ले कर रही थी पहले ये दिखा देते हैं माशाल्लाह से ना ये ना सोनू की ना अम्मी है ठीक है जो अगले कर रही है तो मैंने आपको बता मैंने कहा आपको बताते हैं चलो फीमेल जो है वो किस तरह अगले करती है तो माशाल्लाह से दोस्तों ये ना इस तरह करती है और कबूतरों ने भी ना बड़ा हल हल छल मचाई है यह यहाँ पर सर्ट नहीं होने दे रही है फड़ 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 तो ये देखें माशाल्लाह से ये आप देख लें उसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरी जो सरप्राइज़ है वो दिखाते हैं माशाल्लाह से ये देखें ये इस तरह से ना फीमेल एग लेकर कर है तो ये अब देख सकते हैं माशाल्लाह ये भी करेगी इंशाल्लाह एग ले शायद इसमें से मैं बच्चे निकलवाऊँ माशाल्लाह तो दोस्तों माशाल्लाह से पिजन्स की केज की अंदर आ गया हूँ और आपको भी दिखाते हैं एक मिनट से रबर करें बस यार ये पिजन्स बढ़ाना तो हैं माशा माशाल्लाह से माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से ये देखें अंडों में क्रैकिंग स्टार्ट हो गई एक मिनट बस ये देखें माशाल्लाह से अंडों में क्रैकिंग स्टार्ट होगी फोकस नहीं सही कर रहा यार कैमरा ये देखें इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ मैं आपको ये देखें माइक के करीब लेके गया ना तो इसकी आवाज़ आ रही है इस वाले की ये इसके नीचे पड़ा था रहूं। और दूसरे वाले को मैंने रेस्क्यू किया थोड़ा बहुत क्योंकि ये शायल तोड़ नहीं सक रहा था ये बच्चा जो है ना लेकिन अब ये बिल्कुल सही हो गया सुबह तक बच्चे निकलेंगे इन ये बच्चा शैल नहीं तोड़ सक रहा था ना इसलिए मैंने ना इसे रेस्क्यू करके यहाँ से ऑक्सीजन के लिए खोल दी है अब बाकी बाकी का काम ना ये बच्चा खुद करेगा माशाला से इसकी भी आपको आवाज़ सुनवाते हैं माइक के करीब करना पड़ता है ये देखें इसकी आवाज भी आपने सुन ली माशाल्लाह से तो ये तो मुझे पता था निकलेंगे तो ने 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 तो 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 एक्सपीरियंस ये कहता है निकलना था क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैंने तरी तरीके दो बच्चे निकलवाए थे एक दफा मुर्गी का निकलवाया था बटेरों के निकलवाए थे तो मसला नहीं है जो अब करना क्या है ना अभी इंशाल्लाह कुछ दिन है ना कहीं से बतख के मंगवाएंगे हाकि कैम्बल वाइट कैम्बल या छोटी बत्तख जो होती है ना उसके अंडे कबूतरों को नीचे रखेंगे उसके अंडे ना अट्ठाईस दिन पड़े रहते हैं तो वो मैं ऐसे करूँगा दो तीन अंडे रखूँगा पहले दो तीन जोड़ों को बिठाऊँगा अंडों पर ठीक है उनके नीचे पड़े रहेंगे फिर पंद्रह दिन तक फिर पंद्रह दिन के बाद मैं दूसरे कबूतरों के नीचे जा, जा कर रख दूंगा फिर इस तरह ना बत्तख के बच्चे भी निकल आएँगे इन शल इन श्ला यहाँ पर वो करनी है ला के डालनी है गोबर वगैरह देखते हैं उसके बारे में भी तो अभी मैंने ना थोड़ी बहुत ही नेचुरल खाद ला के डाली है इधर बहुत मुश्किल काम है यार मेहनत का काम इसलिए सुब्सक्राइब करो, सुब्सक्राइब करो, है, है इसलिए तो कहता हूँ सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी मोटिवेशन है इसलिए तो कहता हूँ सब्सक्राइब करो और उसके बाद यहाँ नेचुरल लेवरी भी बनानी है उसके लिए भी बहुत काम पेंडिंग पड़ा है यार टाइम ही नहीं मिलता यही है। है तो मसला टाइम मिलेगा तो मैं कुछ करूंगा और ऊपर से यार ये सर्दी अब तो सर्दी ज़रा कम हो रही है ना फिर सही है फिर से यार सर्दी वजह से बंदा कुछ कर भी नहीं सकता दिल ही नहीं करता दिल जाता अंदर ही बैठा रहा बस और उसके बाद ये वाला काम भी करना है जो पेंडिंग पड़ा है मस्किली का केज यार मस्किली अंडे भी नहीं दे रही पता नहीं कब देती है दे देगी इन एक दो दिन में ये भी दे देंगी जगह तो ऐसे बना रही हैं पागलों की तरह इन दे देंगे इनशाला और एक और बात बताता हूँ आपको मैं ये वाले अंडे मैंने उठा के उधर रख दिए उस केज में उस केज में शायद कोई मुर्गी बैठ जाए वहाँ वहाँ भी हैं ना तीन चार मुर्गियाँ इन वो बैठ जाएंगी पैरट्स कैसे हो पैरट्स आपका भी बहुत इंतजार है यार जल्दी ब्रीडिंग करो अभी तो तोते की दाढ़ी नहीं निकली फुल मैचर होगा ना तो फिर दाढ़ी निकलेगी इसकी वो मुझे भी निकलेंगी नाक के ऊपर ना मुझे भी निकलती हैं जो इसके और तोती भी बिल्कुल सही तैयार है बैठी हुई है माशाल्लाह से तो दोस्तों मैंने कहा आपकी दिन नेचुरल लाइवरी का भी राउंड मरवा दें आपको देख लें नेचुरल लाइवरी खाली पड़ी है इन शह फरवरी के दरमियान में बर्ड तलाशियाँ वगैरह स्टार्ट कर देंगे ना आएंगे यहाँ पर घोंसला बनाने की सोचेंगे अपनी और देखेंगे बाकी नेचुरल लाइवरी पूरी वैसे की वैसे पड़ी है वो भी वैसे पड़ा है ये वाले भी ये वाले भी हाँ वो वाला मैं सोच रहा हूँ एक ब्रिटिंग बॉक्स भी दिखा नेचुरल लाइवरी में देखते हैं क्या होता है अब पता कुछ नहीं है और बाकी सब कुछ सही है इधर पहले मैं सोनू को बैठा के खिलाता होता था मज़े करते थे यार सोनू सोनू बेचारी की डेथ हो गई कोई नहीं और सोनू बनाएंगे इनशाला बाकी नेचुरल एवरी तो वैसे की वैसे है डब्स वगैरह आती हैं इधर इधर फिरती हैं स्पैरो भी आती है दूसरी चिड़ियाँ भी अब वो देख रही हैं यानी कि जगह शगह देखेंगे इनशाला बहुत जल्द इनशाला फिर दोस्तों आज इसी के साथ मुझे इजाजत कल आपके साथ नया ब्लॉग लेके आएंगे आपको चूजे दिखाएंगे जो निकल रहे हैं दुआ करें जल्दी निकलें इन और इधर नेचुरल खाद तो मैं डाल दूँगा इन बाकी नेचुरल बर्ड्स एवरी बनाएंगे नेचुरल एवरी तो बनाई हुई है और फिर दोस्तों आज के दिन इजा, इजाजत अपना ख्याल रखें अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और अपने प्यारों को दुआ में याद रखें अपने आप को भी दुआ में याद रखें दोस्तों खुश रहें और हमें भी दुआ में याद रखें चैनल को करें सब्सक्राइब क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी मोटिवेशन मिलती है बेल आइकन को ऑल पर करेंगे तो यार आपको सारी नोटिफिकेशन पहले मिलेंगी वीडियो को लाइक शेयर और अपने खूबसूरत कमेंट कर दें इससे हमारी वीडियो की रीच वगैरह बढ़ जाएगी और यार हमें मोटिवेशन भी मिल जाएगी दोस्तों फिर हमें दुआ में याद रखें दोस्तों आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़